असलामुअलैकुम डियर, वेलकम बैक टू एमएस एंड मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। रीवन, जैसे आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग थॉमस एल्को स्ट्रक्चर 3.8 के क्वेश्चन हम लोग जाना वो 30 तक सॉल्व कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन है। अगर आप लोग लेक्चर का लिंक देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आप मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर आई बटन पर भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूँ तो आज के लेक्चर में नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करूंगा। 31 जो क्वेश्चन है बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सिंपल है, और 32 जो क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल थोड़ा सा लेंथी है। आपने वीडियो को आखिर तक देखना, उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू है, अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें, नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो लेके आता हूँ आपको मिले उसका नोटिफिकेशन। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 31, द रेडियस ऑफ एन इन्फ्लेटिंग बलून। एक बलून की बात कर रहा है, उसके रेडियस के हवाले से बात कर रहा है। स्फेरिकल बलून, बलून है स्फेरिकल आपके पास। अब स्फेरिकल के हवाले से मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन 30 किया था, उसके अंदर भी मैंने उसका वॉल्यूम यूज किया था, उसका जो ना कैसे निकाल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया था, वो भी लास्ट में देखे जाके। स्फेरिकल बलून इज इन्फ्लेटेड विद हीलियम एट द रेट ऑफ 100 पाई फीट क्यूब पर मिनट। यानी कि जो स्फेरिकल बालून है उसके जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, जो तब्दीली आ रही है, वो आ रही है जी 100 पाई फीट क्यूब पर मिनट के लिहाज से, रेट के लिहाज से। हाउ फास्ट इज द बालून का रेडियस इंक्रीजिंग एट द इंस्टेंट द रेडियस इज 5 फीट। कहता है कि उसके रेडियस में आपने चेंज फाइंड आउट करना है, डी आर बाई डी टी फाइंड करना है, जब आपके पास रेडियस आर 5 फीट होगा। एक चीज आपके पास ये, सेकेंड चीज आपके पास है हाउ फास्ट इज द सर्फेस एरिया इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया जो उसका इंक्रीज हो रहा है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, उसमें आपने फाइंड करना है, डी एस बाई डी टी फाइंड करना है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फार्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी। यह जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, इसके अंदर ये हमारे पास जो सरफेस स्फेरिकल शेप है उसका जो वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ होता है, और जो सरफेस एरिया होता है वो होता है आपके पास 4πr², ठीक है जी। अब उसने आपको जो ना वो क्या दिया, उसके जो चेंज इन वॉल्यूम दिया हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम उसने कितना दिया हुआ आपको, डीवी बाय डीटी व्हिच इज इक्वल टू 100 पाई फीट क्यूब पर मिनट दिया हुआ है। और कहता है जी व्हेन आपके पास, जब आपके पास आर 5 फीट हो, जब आपके पास रेडियस का 5 फीट हो, तो आपने फाइंड करना है डी आर बाय डी टी। ये चीजें गिवन में मैंने लिख लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो देखते हैं जी हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, हमारे पास है जी वी इज इक्वल टू 4/3 πr³। हम लेते हैं इसका डेरिवेटिव, तो जी है जी वी इज इक्वल टू 4/3 πr³। अगर इसका एक डेरिवेटिव भी बनेगा डी वी बाई डी टी विच इज इक्वल टू 4/3 π। ये तो कॉन्सेप्ट वैसे वैसे आ जाएगा, ये बनेगा जी 3r² डी आर बाई डी टी बन जाएगा। आर से क्यूब का डेरिवेटिव लेता हूँ तो पावर लगेगा, 3 पीछे आ जाएगा, आर की पावर में एक माइनस किया तो 2 बन गया, डी आर बाई डी टी आ गया। अब ये वाला 3 से कैंसिल कर दें तो ये बनेगा डी वी बाई डी टी विच इज इक्वल टू 4πr² डी आर बाई डी टी आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग डी आर बाई डी टी निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास आर भी मौजूद है जो कि आपके पास 5 है, आपके पास डी वी बाई डी टी भी मौजूद है जो कि आपके पास 100 π है। तो यहाँ पे आप लोग पुट कर सकते हैं 100 π विच इज इक्वल टू 4πr² डी आर बाई डी टी। अब यहाँ पे भी पाई मौजूद है, यहाँ पे भी पाई मौजूद है, पाई को कर दे पाई के साथ कैंसिल, 4 और आर स्केयर को नीचे बटे में ले तो ये बनेगा 100/4 इंटू आर का स्केयर आपके पास होता है जी 5² विच इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। अब देखें जी 5² आपके 25 होता है, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 100 ही आएगा, तो 100/100 आपके पास बन जाएगा 1 विच इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। इसका यूनिट देखते हैं किस फॉर्म में उसने आपको दिया हुआ है, यूनिट आपको उसने दिया हुआ है जी फीट पर मिनट। हाँ जी 1 फीट पर मिनट, तो ये आगे जी आपके पास इसका आंसर 1 फीट पर मिनट के लिहाज से इसके रेडियस में चेंज आ रहा है। ये था हमारे पास इसका बेसिकली ए पार्ट। अब हम सेकेंड बी पार्ट की बात करते हैं, तो बी पार्ट में वो क्या कहता है, सेकेंड हम थिंग देखते हैं जी इसके अंदर। सेकंड कहते हैं हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। अब उसके सरफेस एरिया में जो चेंज आ रहा है वो आपने फाइंड आउट करना है, तो वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे देख लेते हैं जी। सरफेस एरिया हमारे पास क्योंकि मौजूद है एस विच इज इक्वल टू 4πr², हम लेंगे इसका डेरिवेटिव तो बनेगा डी एस बाई डी टी विच इज इक्वल टू 4πr² का होगा जी 2r और डी आर बाई डी टी बन जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे डी एस बाई डी टी विच इज इक्वल टू, देखें क्या बनता है, डी एस बाई डी टी विच इज इक्वल टू 4π, 4 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो इसको 8π की फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं, 8π लिख रहे हैं हम।
8 पाई और आर आपको उसने ऑलरेडी 5 दी हुआ, डी आर बाई डी टी अभी हमने फाइंड किया जो कि आपके पास 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखते हैं ठीक है। तो डी एस बाई डी टी विच इज इक्वल टू, अब 8 पाई और 5 से करें मल्टीप्लाई, इन तीनों को करते हैं मल्टीप्लाई, देखते हैं हमारे पास क्या बनता है जी। हाँ जी 40 पाई ऐसे कर लें, 8 को 5 से मल्टीप्लाई तो 40, 40 पाई फीट स्क्वेयर पर मिनट, हम सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं तो फीट स्क्वेयर पर मिनट इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 31। हमारे पास दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली, इसका चेंज इन रेडियस भी फाइंड कर लिया, चेंज इन सरफेस एरिया भी फाइंड कर लिया, ये था हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन 31। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 32। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है हॉलिंग इन आ डिंगे, हॉलिंग इन आ डिंगे एक छोटी सी कश्ती, उसको जो है ना वो खींच रहे हैं, एक जो है ना वो क्या कहते हैं उसको खींच रहे हैं, चलो बताता हूँ आपको। अ डिंगे इज पुल्ड टुवर्ड अ डॉक बाय अ डॉग या पुली जिसकी तरफ उसको खींच रहे हैं, जिसकी तरफ उसको बांधा हुआ है, बाय अ रोप फ्रॉम दी बो थ्रू अ रिंग ऑन दी डॉग 6 फीट अबव दी बो। उसने आपको डायग्राम भी दी हुई है, डायग्राम को देखें, डायग्राम मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपको सारी की सारी समझ आएगी। दी रोप इज हॉल्ड इन एट द रेट ऑफ 2 फीट पर सेकेंड, काफी चीज उसने गिवन में दी हुई है, पहले हम गिवन लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, गिवन लिखेंगे, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए बार में कहता है फास्ट इज द बोट अप्रोचिंग द डॉग व्हेन 10 फीट ऑफ रोप आर आउट, जब 10 फीट रस्सी बाहर हो तो किस स्पीड के साथ उसमें उसके डिस्टेंस में चेंजिंग आ रही है, जो भी हम उसके डिस्टेंस को नाम देंगे वो उसके अंदर हम चेंज फाइंड करना है। और बी पार्ट के अंदर कहता है जी एंगल में क्या तब्दीली आ रही है, एंगल में क्या चेंज आ रहा है, वो भी आपने फाइंड आउट करना है। तो दोनों चीजें हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम इसके डायग्राम की तरफ देखते हैं, डायग्राम में उसने हमें क्या क्या चीज बोली हुई है तो देख लेते हैं जी। यहाँ पे डायग्राम की अगर बात करें तो डायग्राम कुछ इस तरह से उसने आपको दी हुई है, हाँ जी ये कुछ इस तरह से डायग्राम उसने आपको दी हुई है। यहाँ पे जाना वो बेसिकली आपके पास कश्ती बनाई हुई है, यहाँ पे आप कश्ती कैसे बनाते हैं तो ये भी नहीं पता, ये आपके पास बोट है ठीक है जी, कश्ती है। तो क्या कहते हैं जी इसकी जो हाइट है आपके पास, वो आपके पास 6 है, 6 मीटर है या 6 फीट है ये तो पता नहीं, अब देख लेते हैं कितनी दी हुई है। उनकी ना स्टेटमेंट्स बड़ी लेंथी होती है और हाँ जी 6 फीट उसने आपको उसकी दी हुई है जी, 6 फीट दी हुई है इसकी जो आपके पास हाइट है, और ये आपके पास जो इसका इसको आप हाइपोटेन्यूस को एस का नाम दे दें, ये आपने आपको उसने दिया हुआ जी। जब आपने ए पार्ट के लिए लेना है तो वो आपको उसने 10 फीट दिया हुआ है, 10 फीट यानी कि जो रोप की आपके पास लंबाई है ना ए पार्ट के अंदर जो रोप की, ये बेसिकली आपके पास रोप है, ये रस्सा है और इसके साथ इसको बांधा हुआ यहाँ पे, कहाँ पे गया जी, हाँ जी ये डॉग के साथ यहाँ पे उसको उसने बेसिकली या पुली के साथ कह लेंगे उसको यहाँ पे बांधा हुआ है ठीक है। तो ये बेसिकली रोप की लेंथ उसने 10 फीट दी हुई है और ये इसकी हाइट आपके पास 6 फीट है, इसको ये ऐसा है इसको आप लोग वाई का नाम दे दें, इसको अगर आप चाहते हैं तो इसको यानी कि डॉग से या पुली से जो इसकी ये वाली लेंथ है इसको आप लोग एक्स का नाम दे दीजिए, आपके पास बोट है इसको बोट का नाम दे देते हैं ठीक हो गया जी। और यहाँ पे बेसिकली आपके पास थीटा एंगल है जो हमने फाइंड आउट करना है, एंगल में जो चेंज आ रहा है वो हम नेक्स्ट बी पार्ट में फाइंड करेंगे, तो एंगल में जो चेंज आ रहा है ठीक है। देखते हैं जो जो चीजें उसने हमें गिवन में दी हुई है पहले हम वो लिखेंगे, उसके बाद हम ए पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। गिवन में कहता है जी बाय रोप फ्रॉम द बो थ्रू अ रिंग ऑन द डॉग ऑफ 6 फीट अबव द बो। अब जो ऊपर आपके पास बाय उसने दिया हुआ है वो बेसिकली आपके पास हम गिवन में लिखते हैं, गिवन बाय उसने आपको दिया हुआ जी 6 फीट, ये एक चीज आपके पास हो गई यहाँ पे। और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है ब्लैक पॉइंटर यूज कर लेते हैं, इससे सही नजर नहीं आता होगा मेरे ख्याल से। हाँ जी एक तो ये चीज आपके पास हो गई 6 फीट बाद दी रोप इज हॉल्ड इन एट द रेट ऑफ 2 फीट पर सेकेंड, जो रस्सी को जो है ना वो आपके पास जो खींच रहे हैं वो 2 फीट पर सेकेंड के रेट से खींच रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे इसके मतलब रोप में रस्सी में जो चेंज आ रहा है उसको आप लोग लिखेंगे डी एस बाई डी टी की फॉर्म में, क्योंकि आपके पास उसको हमने एस का नाम दिया तो डी एस बाई डी टी विच इज इक्वल टू 2 फीट पर सेकेंड, उसके जो खींचने में चेंज आ रहा है वो आ रहा है जी 2 फीट पर सेकेंड के लिहाज से। अब जो जो उसको खींचेगा उसकी लंबाई में कमी आएगी, कम होगी तो फिर यहाँ पे आप लोग माइनस भी लिखेंगे, माइनस का 2 फीट पर सेकेंड। ये दो चीजें आपके पास हो गई। हाउ फास्ट इज द बोट अप्रोचिंग, कहता है कि जो बोट है वो कितनी स्पीड से यहाँ इस तरफ डॉक की तरफ जा रही है, ये डिस्टेंस हम डिफाइंड करना है डी एक्स बाई डी टी, इसके अंदर चेंज डी एक्स बाई डी टी फाइंड करना है, वेन कब फाइंड करना है जब हमारे पास हो जो हो जी 10 फीट ऑफ रोप, एस इज इक्वल टू 10 फीट, जब आपके पास 10 फीट रोप हो तो आपने इसके अंदर चेंज फाइंड करना है।
ये चीजें बेसिकली हमने इसको फाइंड आउट करना है जी फर्स्ट में, फर्स्ट पार्ट के अंदर। अब देखिए यहाँ पे एक चीज हम पहले फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमने बाद में तो फाइंड करें, हम पहले फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज 10 फीट है और हमारे पास इसकी जो हाइट है परपेंडिकुलर है वो 6 फीट है, तो हम लोग इजिली एक्स को निकाल सकते हैं। तो एक्स को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं जी पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं एस स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी, क्योंकि बाद में हमें एक्स की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो हम पहले एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एस हमारे पास है जी 10, तो 10 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई जी 6 का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बनेगा जी 100। इसको इधर ले आएंगे ये बनेगा माइनस का 36 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे तो बनेगा 64 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ लेते हैं स्क्वायर रूट, ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 64 विच इज इक्वल टू एक्स, तो ये बनेगा जी आपके पास 8, 8 बन जाएगा 8 विच इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू आपके पास 8 फीट आ चुकी है। ठीक है जी, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम चलते हैं बेसिकली इसके ए पार्ट की तरफ। अब देखिए ए पार्ट की बात करें, ए पार्ट के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, इसके जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ पे लगाया उसका हम लोग लेंगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लेंगे उसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है एस स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव बनेगा जी 2SdS/dt विच इज इक्वल टू, इसका बनेगा 2XdX/dt प्लस, अब ये बेसिकली वाई का स्क्वायर है तो इसका लेंगे 2YdY/dt। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे पास वाई तो कॉन्स्टेंट, हमारे पास देखें कर लेते हैं यहाँ पे 2YdY/dt। अब 2s आपके पास यहाँ पे लिखेंगे 2s और ds/dt आप उसने माइनस 2 दिया हुआ है तो माइनस 2 लिखें, इसके बाद जी आपके पास 2x, उसके बाद जी आपके पास dx/dt तो आपने करना है फाइंड प्लस। अब y देखें, y बेसिकली आपके पास 6 है और dy/dt अगर आप किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव उसका कांस्टेंट 0 हो जाता है, तो ये फिर सारा का सारा 0 हो जाएगा। अगर y dy/dt देखे ना, y आपके पास है 6 तो dy/dt 6 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये बन जाएगा जी आपके पास माइनस का 4s विच इज इक्वल टू 2x dx/dt, ये भी हम वैल्यूज पुट करते हैं लेकिन बाद में पुट करते हैं। ये देखिए इसको नीचे ले आए तो माइनस का 4s ओवर 2x इक्वल टू dx/dt बन जाएगा। अब इसको कैंसिल करें, दो एक बार दो, दो दो बार चार, यहाँ पे माइनस 2s ओवर x बचा आपके पास, यहाँ पे लिख लें आप लोग dx/dt इज इक्वल टू माइनस 2s ओवर आपके पास यहाँ पे x है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, s की वैल्यू आपको क्या दी, s की वैल्यू 10 है, अब यहाँ पे पुट करते हैं माइनस 2 इंटू 10 सॉरी 10 ओवर x की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी, यहाँ पे जो मैंने बोला था आपको हमारे पास बाद में काम आएगी, तो x की वैल्यू आप 8 पुट कर दें, तो 8 पुट किया तो ये बनेगा आपके पास dx/dt विच इज इक्वल टू, अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो ये बनेगा जी आपके पास माइनस 10/4, डिवाइड करेंगे तो बनेगा जी आपके पास माइनस 2.5 फिट पर, हाँ जी देख लेते हैं जी फिट पर सेकेंड, माइनस 2.5 फिट पर सेकेंड। जी हाँ जी, हमारे पास इसका ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमने इसका डिस्टेंस फाइंड कर लिया, dx/dt हमने चेंज इन डिस्टेंस फाइंड किया, हमारे पास जो भी था माइनस 2.5 फीट पर सेकेंड, ये था हमारे पास इसका ए पार्ट। नेक्स्ट हम इसके बी पार्ट की बात करते हैं, और बी तो देखिए जी बी पार्ट में बात करते हैं, बी पार्ट में कहता है जी आपने चेंज इन एंगल फाइंड आउट करें, उसके लिए आप लोग साइन थीटा ले लिया कॉस थीटा ले लिया, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ जी कॉस थीटा एंगल फाइंड आउट करने के लिए, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस बेसिकली किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि जी आपके पास आएगा वाई ओवर एस, y ओवर s आएगा, तो y बेसिकली उसने आपको 6 दिया हुआ है, s हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि s हमारे पास ये उसने ए पार्ट के लिए था, यहाँ पे हमने भी s की वैल्यू पुट नहीं करनी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे s की वैल्यू ही पुट कर देते हैं तो सारा सारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव सारे का सारा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास एंगल की वैल्यू नहीं आएगी, तो जो फिक्स वैल्यू थी वो तो 6 पुट कर दी, s को मैंने यहाँ पे वैसे का वैसे लिखा। अब हम लेंगे इसका डेरिवेटिव, हमने कहा माइनस साइन थीटा डी थीटा बाय डी टी विच इज इक्वल टू, इसका इसको सॉरी मैं इस तरह लिख देता हूँ, वाई की जगह पे 6, एस को ऊपर लेके जाके 10^-1 बन गया। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेते हैं, बनेगा जी माइनस आ जाए पीछे माइनस 6, एस की पावर में एक और माइनस करेंगे माइनस 2 बन जाएगा, उसको आप लोग नीचे लिख लें माइनस 6 ओवर एस स्क्वायर dS/dt आ जाएगा। ठीक हो गया जी, अब यहाँ पे देखें आप लोगों के पास क्या बनने जा रहा है, डी थीटा बाय डी टी विच इज इक्वल टू, ये वाला माइनस 6 माइनस कर दें कैंसिल, साइन थीटा को भी उधर ले जाए, तो ये बनेगा 6 ओवर साइन थीटा नीचे आ गया, ये साथ आपके पास एस स्क्वायर है और साथ आपके पास है जी dS/dt। अब वैल्यूज पुट करें, डी थीटा बाय डी टी विच इज इक्वल टू 6, तो वैसे का वैसे आएगा। अब साइन थीटा की वैल्यू आपके पास कहाँ से आएगी, साइन थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर
हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस आपके पास यहाँ पे एक्स हमने निकाली थी यहाँ पे 8 फीट, तो 8 ओवर हाइपोटेनस आपको यहाँ पे अब 10 है, अब यहाँ पे हाइपोटेनस 10 है, तो वो 10 लगाए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें 10 लगाना है। तो 8 ओवर 10 यहाँ पे लिखें जी, 8 ओवर 10 ये चीज आ गई। अब एस का स्केयर, अब एस हमारे पास हाइपोटेनस की बात करेंगे, 10 का स्केयर, डीएस बाई डीटी की वैल्यू भी हमने उसे दी हुई है -2, यहाँ पे लगाए जी -2। अब आप लोगों ने इसको करना सिंप्लीफाई, तो आंसर मैं यहाँ पे सेम सेम लिख देता हूँ, -3/20 रेडियन पर सेकेंड, -3/20 रेडियन पर सेकेंड, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इसको आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास ये वाला आंसर आएगा -3/20 रेडियन पर सेकेंड। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 का भी फाइनल आंसर, कंप्लीट ए और बी पार्ट हमने सॉल्व की है। कोशिश किया कि सिंपल एंड इजी में आपको समझाया जाए। सब्सक्राइब किए बगैर मत जाया करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिए। अगर आपको कोई मसला होता है मुझे इंस्टाग्राम पर लाजमी ज्वाइन करेंगे। आप लोग हैंड रिटन नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अपना भी ख्याल रखें, चैनल का भी ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।